टाटा एडवांस सिस्टम ने अपनी 155 mm 52 कैलिबर माउंटेन गन प्रणाली की पेशकश करके भारतीय सेना की 814 माउंटेन गन सिस्टम की आवश्यकता को पूरा कर दिया है। यह कदम प्रतिस्पर्धा में एक और दावेदार जोड़ता है, जो संभावित रूप से इस प्रमुख रक्षा अनुबंध के लिए दौड़ को गर्म करता है। टाटा की पेशकश DRDO और कल्याणी स्ट्रेटजिक सिस्टम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए जा रहे एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम से अलग हैं। अपने सिस्टम को ATZ पर आधारित करने के बजाय टाटा की बंदूक की 155 mm T552 सेल्फ प्रोटेक्ट होविजर्स से प्रेरणा लेती हैं। हालांकि इससे स्थानीय रूप से विकसित टाटा 8x8 हाई मोबिलिटी वाहन पर लगाया जाएगा। प्रदर्शन की लिहाज से टाटा की MGS एक प्रभावशाली रेंज का दावा करती हैं, जो बोट टेल प्रोजेक्टाइल के साथ 31 किलोमीटर बेस ब्लिट प्रोजेक्टाइल के साथ 42 किलोमीटर और वेरी लॉन्ग आर्टिलरी प्रोजेक्ट के साथ 55 किलोमीटर तक पहुंचती हैं। इसके अतिरिक्त सिस्टम प्रति मिनट 6 राउंड फायर कर सकता है, जिसमें केवल 16 सेकंड में 3 राउंड फायर और प्रति मिनट 2 राउंड की निरंतर फायरिंग शामिल है। यह पेशकश टाटा द्वारा एयरो इंडिया 2023 में अपनी MGS की स्केल मॉडल को प्रदर्शित करने के बाद आई है, जो इस परियोजना में उनकी रुचि को उजागर करती है। उन्होंने 2012 में एक प्रोटोटाइप भी विकसित किया था, लेकिन कंपनी का दावा है कि प्रोटोटाइप को और अधिक परिष्कृत किया गया है। टाटा के मैदान में उतरने के साथ भारतीय सेना की MGS कार्यक्रम की भी प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है, जबकि DRDO और ATZ पहले से ही परीक्षण की दौर से गुजर रहा है।